हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिशी लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है आईपी लेगिस्लेशन इन इंडिया, मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेगिस्लेशन इन इंडिया। और इसमें हम कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेगिस्लेशन है इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कि आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होता क्या है। तो कोई भी डेफिनेशन, कोई भी वर्ड के बारे में डेफिनेशन पता करने के लिए आपको उसके वर्ड पे जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे है इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्ट की ये बात की जा रही है और इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस से बनाई गई हो, हमारे माइंड के क्रिएशन से बनाई गई हो, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम कहते हैं। इसकी अगर हम यहाँ डेफिनेशन देखें तो इट इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। मींस ये प्रॉपर्टी का एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट आता है। मींस जो भी चीज हम सोचते हैं, हम माइंड में जो इंटेलिजेंस के जरिए हम सोचते हैं और फिर सोच कर कुछ हम जो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो चीजें जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। इंटेंजिबल क्रिएशंस का मतलब है कि नॉन फिजिकल, ऐसा क्रिएशन जिसका कोई फिजिकल फॉर्म ना हो, जिसे हम टच ना कर सकें। जैसे कि हम ब्रेन में कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी इन्वेंट करते हैं सोच के, तो वो जो सोची हुई चीज है उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। भले ही हम सोच के उसका कुछ मटेरियल कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे माइंड में है उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंटेंजिबल क्रिएशन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा कैटेगरी ऑफ द प्रॉपर्टी है जो हमारे ह्यूमन ब्रेन का क्रिएशन है। इसमें आ सकते हैं जैसे कि इन्वेंशन आ सकते हैं, जैसे कि लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, यानी हम किताब या लिटरेचर से रिलेटेड कुछ भी हम लिखते हैं वो, या फिर पेंटिंग, स्कल्पचर, डिजाइन, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस, ये सब के सब जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसे एक राइट के जरिए, एक लीगल लॉ के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है। और उस लॉ को जिसके जरिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मीन्स ये एक हमारा लीगल राइट है जिससे कि दूसरे लोग जो है हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो यूज ना करे बिना हमारे परमिशन के। लेकिन इस बीच में आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्यों बनाया गया, कि इसकी क्या जरूरत पड़ी, कि ठीक है हमने कुछ अपना क्रिएट किया, इन्वेंशन किया, लेकिन ये राइट की क्यों जरूरत पड़ी। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर नहीं होता तो कुछ भी हम क्रिएट करते तो वो दूसरा इंसान जो है वो हमारे बिना परमिशन के हमारे इन्वेंशन को वो यूज कर सकता था, उसे चुरा सकता था अपने बेनिफिट के लिए। और इससे ये होगा कि जो क्रिएटर है, जिसने वो बनाया है, वो खुद डिमोटिवेट होगा, उसको दोबारा फिर वो बनाने की कुछ भी चीज उसको मन नहीं होगा। तो इसलिए ताकि क्रिएटर जो है उसका माइंड उसको प्रोत्साहन देने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा कंट्री का जो इकोनॉमिक है, जो एनवायरनमेंट है, उसको क्रिएटिविटी से फ्लरिश करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बनाया गया। अब हम देखते हैं कि आईपीआर के कौन कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स, कैटेगरी, फॉर्म्स या फिर कॉम्पोनेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो आईपीआर के दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल, दूसरा होता है नॉन इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आते हैं, जबकि नॉन इंडस्ट्रियल में सिर्फ कॉपीराइट आता है। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल में फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब ये जितने भी आईपीआर है, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, जीआई, कॉपीराइट, डिजाइन, तो ये सारे जितने भी आईपीआर है इनके जो ऑफिस है और जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, वो किसके अंडर आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो यहाँ है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जिसको हम शॉर्ट में CGPDTM भी कहते हैं, या फिर जनरली इंडियन पेटेंट ऑफिस भी कहते हैं। तो इसके अंडर जितने भी ये आईपीआर है, जो आईपीआर के राइट्स हैं, वो सब इसके अंडर वर्क करते हैं। और जो CGPDTM है ये एक तरह का एजेंसी होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर आता है,
और अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है। अब जानते हैं कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे आईपीआर है इनके ऑफिस और हेड ऑफिसेस कहाँ पे है। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट, ये जो मैनेजमेंट ऑफिस है ये नागपुर में है। पीआईएस मींस पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो 1980 में बनाया गया था ताकि जितने भी ये पेटेंट से रिलेटेड जो ये लिटरेचर है, जो डॉक्यूमेंट है, उन सबको एक तरह से सही ढंग से मेंटेन करने के लिए पीआईएस को बनाया गया था। अब देखते हैं कि जो पेटेंट है उसका पेटेंट ऑफिस कहाँ पे है। तो पेटेंट ऑफिस जो है वो कोलकाता में है, कोलकाता में हेड ऑफिस है पेटेंट का। उसके बाद इसके जो ब्रांचेज है वो है दिल्ली में, चेन्नई में और मुंबई में। उसके बाद है डिजाइन ऑफिस। तो डिजाइन का बस कोलकाता में एक ही बस एक ऑफिस है जो हेड ऑफिस है। दूसरा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, बाकी इसके ब्रांचेज जो है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। इसका जो ऑफिस है वो चेन्नई में है। उसके बाद है कॉपीराइट रजिस्ट्री। कॉपीराइट रजिस्ट्री जो है इसका ऑफिस दिल्ली में है। नेक्स्ट है SCICLD रजिस्ट्री, मीन्स सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। आईपी लेजिस्लेशंस इन इंडिया, मीन्स इंडिया में जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कैसे प्रोटेक्ट होती हैं, वो किसके अंडर आती हैं। तो कुछ एक्ट हैं जिसके जरिए वो सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्ट होती हैं। तो उनमें से जो पहला एक्ट है वो है कॉपीराइट एक्ट 1957। उसके बाद है द पेटेंट एक्ट 1970 जिसका अमेंडमेंट 2005 में हुआ था। देन थर्ड है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। फोर्थ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। देन उसके बाद है डिजाइन एक्ट 2000। सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सेवन्थ है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000, जिसको शॉर्ट में SICLD भी कहते हैं। एट्थ है जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। एंड देन नाइन्थ है नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2003। तो ये टोटल 9 एक्ट है जिसके जरिए जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट होती है इंडिया में। सबसे पहले जो हमारा आईपीआर है वो है पेटेंट। अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। तो पेटेंट एक एक्सक्लूसिव एक यूनिक राइट है, एक स्पेशल राइट है जो किसी भी इन्वेंशन के लिए इन्वेंटर को, क्रिएटर को दिया जाता है। अगर हम पेटेंट का एग्जाम्पल लेकर अगर समझे कि पेटेंट आखिर होता क्या है, किसको दिया जाता है, किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो सबसे पहले हम फूड सेक्टर में एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कि फूड सेक्टर में हमें एक ब्रेड प्रिपेयर करना है। तो ब्रेड का जो जनरल मेथड है वो सबको पता ही, कैसे ब्रेड प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन मुझे अब शुगर फ्री ब्रेड प्रिपेयर करना है, तो शुगर फ्री ब्रेड जो है वो नहीं अवेलेबल है मार्केट में और मुझे शुगर फ्री ब्रेड प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए जो मैंने मेथड, जो प्रोसेस, जो इंग्रेडिएंट इस चीज़ में लगाई है, जो यूनिकनेस मैंने इसमें डाली है ब्रेड को प्रिपेयर करने के लिए, तो इसके लिए मैं ये पेटेंट जो है वो ले सकती हूँ गवर्नमेंट से। उसी तरह अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फील्ड में, तो जो लुईस पाश्चर है उसको सबसे पहले मिला था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फील्ड में पेटेंट, क्योंकि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके एक बेटर क्वालिटी ऑफ द बियर प्रिपेयर किया था। जबकि जनरली जो है वो फर्मेंटेशन के द्वारा बियर प्रिपेयर होता है, लेकिन लुईस पाश्चर ने पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बियर का प्रिपेशन किया था, तो इसीलिए उन्हें इसके लिए पेटेंट मिला था पहली बार। तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फील्ड में। इसी तरह कंप्यूटर सेक्टर में कुछ चिप क्रिएट करना या फिर कुछ अलग चीज क्रिएट करना, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हर चीज के लिए जो पेटेंट है, जो यूनिकनेस है, जो मतलब इन्वेंटर बना रहा है, तो उसके लिए वो पेटेंट जो है वो ले सकता है। अब जो पेटेंट का ओनर है वो चाहे तो उसके परमिशन जो है, जो लाइसेंस जो है, किसी दूसरे को भी वो दे सकता है अपने जनरल कंडीशन से। मीन्स वो चाहे तो उसके लिए वो पेमेंट ले सकता है और किसी और को वो ओनर बना सकता है, या फिर और भी बहुत सारी कंडीशंस में जो ओनर है वो किसी और को ऑथराइज कर सकता है कि वो उसका इन्वेंटर है।
इंडिया में जो पेटेंट है वो पहली बार 1911 में इंट्रोड्यूस हुआ था इन द फॉर्म ऑफ इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911, लेकिन 1970 में इसको हटा दिया गया। इसको हटा के पेटेंट एक्ट 1970 आया। पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो 1972 में 20 अप्रैल 1972 से स्टार्ट हुआ। इसका एनफोर्समेंट जो है वो 1972 में है। एक्ट जो है वो 1970 में आया, लेकिन जो इसका इन्फोर्समेंट है वो 1972 से हुआ। उसके बाद जो ये पेटेंट एक्ट 1970 है, इसका अमेंडमेंट 2005 में हुआ था ताकि वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के स्टैंडर्ड को मैच कर सके। ट्रिप्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये जो ट्रिप्स है ये वर्ल्ड लेवल पे ये वर्क करता है। तो जितने भी वर्ल्ड लेवल पे ये जो आईपीआर से रिलेटेड चीजें हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो 2005 में जब पेटेंट एक्ट का अमेंडमेंट हुआ तो उसका नाम जो है वो पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 पड़ गया, और उसमें बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट में की गई। जैसे कि पहले लिमिटेड फील्ड तक ये पेटेंट जो था वो प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद इस बहुत सारी फील्ड को इंक्लूड कर लिया गया, जैसे फूड, ड्रग्स, केमिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। उसके बाद जो ये इंडियन पेटेंट रूल है उसको कई बार अमेंडमेंट किया गया। एक्ट के आने के बाद इसके कई बार अमेंडमेंट हुआ, 2003 में, 5, 6, 12, 13, 14, 2016, 18, 19 और 2020, इतने सारे सालों में इसको इतनी बार अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट में। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेजर अमेंडमेंट बोले वो 2005 में हुआ था, इसीलिए जो इसका नाम है वो है पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब पेटेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन डज अ पेटेंट ऑफर? जो पेटेंट है वो किस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? इन प्रिंसिपल द पेटेंट ओनर हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट और स्टॉप अदर्स फ्रॉम कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग द पेटेंटेड इन्वेंशन। मींस जो पेटेंट का ओनर है उसके पास राइट है कि वो कोई दूसरा इंसान उसका जो इन्वेंशन है वो कमर्शियली ना यूज कर सके, उसके इन्वेंशन को कोई दूसरा इंसान ना एक्सप्लॉइट करे। इन अदर वर्ड्स, पेटेंट प्रोटेक्शन मीन्स दैट द इन्वेंशन कैन नॉट बी कमर्शियली मेड, यूज, डिस्ट्रीब्यूटेड, इम्पोर्टेड और सोल्ड बाय अदर विदाउट द पेटेंट ओनर कंसेंट। जब तक पेटेंट ओनर का कंसेंट ना हो, सहमति ना हो, तब तक कोई दूसरा इंसान उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता है कमर्शियली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेंशंस कैन बी प्रोटेक्टेड? अब किस तरह का इन्वेंशन जो है वो पेटेंट के अंदर आते हैं? तो इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल बताया था कि फूड सेक्टर से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, कंप्यूटर तक, ये सारी जो चीजें जो हैं वो इसमें आती हैं पेटेंट के अंदर। जैसे फ्रॉम एवरीडे किचन यूटेंसिल टू अ नैनो टेक्नोलॉजी चिप, मीन्स किचन की चीजें से लेकर जो यूटेंसिल्स है वहां से लेकर जो नैनो टेक्नोलॉजी का चिप है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं पेटेंट में। जैसे कि केमिकल कंपाउंड भी, कोई अगर हम चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस, मेथड, इंग्रेडिएंट्स, जो भी चीज हमने फॉलो किया है, अगर हम कुछ नया कर रहे हैं उसमें, इन्वेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पेटेंट जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो अ लैपटॉप कंप्यूटर कैन इन्वॉल्व हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशंस वर्किंग टुगेदर, क्योंकि एक लैपटॉप में बहुत सारी चीजें, छोटी सी चिप से लेके इसमें बहुत सारी जो कीवर्ड्स, माउस, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो अलग अलग इंसान ने वो सारी चीजें इन्वेंट की है जिसके लिए पेटेंट लिया हुआ है, तो वो सारी चीजें इकट्ठे मिलकर काम करती हैं। इसलिए कहा है कि जो एक लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो एक साथ मिलकर, बहुत सारे इन्वेंशन मिलकर एक साथ काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है, इज अ पेटेंट वैलिड इन एवरी कंट्री? कि क्या जो पेटेंट है वो सारी कंट्री में ही वैलिड है हमारा? तो इसका आंसर है, पेटेंट्स आर टेरिटोरियल राइट्स, मींस जिस कंट्री में पेटेंट लिया गया है सिर्फ उसी कंट्री में तुम्हारा पेटेंट जो है वो वैलिड होगा। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज अ पेटेंट लास्ट, मींस एक पेटेंट जो है वो कितने साल तक वैलिड रहता है? तो एक पेटेंट की वैलिडिटी 20 ईयर्स होती है। जिस दिन हमने एप्लीकेशन फाइल की है उस दिन से अगर हम काउंट करें तो 20 ईयर्स तक जो है वो एक पेटेंट की वैलिडिटी होती है।
और एक बार अगर पेटेंट एक्सपायर हो गया तो उसका प्रोटेक्शन जो है वो एंड हो जाता है। उसके बाद जो वो हमारा इन्वेंशन है, जो पेटेंट है, वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है। पब्लिक डोमेन में जाने का मतलब है कि अब कोई भी वो जो हमारा इन्वेंशन है वो यूज कर सकता है हमारा बिना परमिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई ऑप्टेन अ पेटेंट एंड कीप माई इन्वेंशन सीक्रेट? मीन्स क्या मैं पेटेंट लेकर अपना इन्वेंशन सीक्रेट रख सकती हूँ? तो नहीं, इसका पेटेंट का रूल ही पहला है कि जब तक आप इंफॉर्मेशन अपना एक्सचेंज नहीं करेंगे इन्वेंशन का, तब तक आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपका जो इन्वेंशन है वो सीक्रेट नहीं रह सकता है। जो उसका इंफॉर्मेशन है वो पूरी पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, तभी उसका पेटेंट ग्रांट होता है। नेक्स्ट हमारा आईपी राइट है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जनरली आपको पता होगा कि ये क्या होता है। जैसे कि पहले मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपने कोई एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो पे आपने कोई एक म्यूजिक यूज कर लिया, कोई सॉन्ग यूज कर लिया, मान लीजिए आपने टी सीरीज का कोई गाना यूज कर लिया अपने वीडियो पे। तो उस वीडियो के जब तक आप पर्सनली यूज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच दिखा रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं खुद के लिए, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आप वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, किसी सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो आपको एक तरह का नोटिस आ जाएगा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का, कि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। क्योंकि आप जब YouTube पे ये चीजें डालते हैं तो वो एक कमर्शियली वो चीज हो गई कि आपने कुछ पैसे कमाने के लिए उसमें यूज किया है, तो इसलिए आपको एक नोटिस आ गया, तो आप उसको नहीं यूज कर सकते। भले ही वीडियो आपकी है लेकिन म्यूजिक तो आपने किसी और का यूज किया है, उसका बिना परमिशन के वो भी। तो यहाँ पे ये कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का ये एक एग्जाम्पल हो गया कि आप किसी ऑथर के कंसेंट के बिना आप उसका वर्क जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके डेफिनेशन के थ्रू इसको देखते हैं कि कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट इज अ लीगल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो कॉपीराइट एक लीगल टर्म है जिसका यूज जो है वो क्रिएटर के लिए किया जाता है। अगर कोई क्रिएटर अपना लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क करता है तो उस पे जो उसे राइट मिलता है उसे कॉपीराइट कहते हैं। लिटरेरी मीन्स जो लिटरेचर से रिलेटेड हो, जैसे कि कोई बुक लिखना, कुछ पोयम या फिर लिटरेचर में लिखना। और आर्टिस्टिक वर्क में आ जाते हैं पेंटिंग, स्कल्पचिंग, ड्राइंग और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सारी जो है वो कॉपीराइट के अंदर ये प्रोटेक्ट हो सकती हैं। वर्क कवर्ड बाय कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स, लिटरेरी वर्क, मीन्स कौन कौन से वर्क जो है वो कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। तो उसमें आते हैं बुक्स, लिटरेरी वर्क, पेंटिंग, स्कल्पचिंग, ड्राइंग या फिर फोटोग्राफ, म्यूजिकल वर्क, फिल्म, साउंड, ये जितने भी ये चीजें हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जो हो गए, टेक्निकल ड्राइंग्स हो गए, ये सारी चीजें जो है वो कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। द कॉपीराइट एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1957। तो ये कॉपीराइट एक्ट है वो 1957 में आया था। उसके बाद इसके कई बार अमेंडमेंट भी हुए हैं इस ट्रिप्स को स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए। जो ये एक्ट है कॉपीराइट एक्ट 1957, ये दोनों ही बर्निंग कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, इन दोनों के ही जो स्टैंडर्ड को जो है ये रिफ्लेक्टिव है, मीन्स उससे ये मैच करता है। इसका जो स्टैंडर्ड है उसको देख कर या फिर उसको फॉलो करके जो कॉपीराइट एक्ट है ये बनाया गया है। और इसके साथ जो इन इन कन्वेंशन के अलावा जो इंडिया है वो जनेवा कन्वेंशन का भी पार्ट है। इसके अलावा वीपो और यूनेस्को का भी इंडिया जो है वो पार्ट है। वीपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया है वो पार्ट है। अब जो ये कॉपीराइट एक्ट 1957 है, इसके भी कुछ फीचर है, कुछ फंक्शन है। इसका जो पहला फीचर है, द एक्ट डज नॉट मैंडेट द नीड फॉर क्वालिटेटिव वर्क। इस एक्ट में क्वालिटेटिव वर्क की कोई जरूरी नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि वो क्वालिटी वर्क हो तभी वो इस एक्ट को, इस राइट को क्वालिफाई करेगा। कोई भी अगर यूनिक वर्क है और थोड़ा सा सिमिलर भी है पुराने काम से, तो इसमें इस राइट के लिए, इस आईपीआर के लिए वो क्वालिफाई कर जाएगा। द क्रिएटर ऑफ द वर्क इज अकॉर्डेड विद लाइफ टाइम कॉपीराइट। मीन्स अगर हम इसका टाइम पीरियड की बात करें कि कब तक कॉपीराइट वैलिड रहता है, तो ये क्रिएटर के लाइफ टाइम तक के लिए ये वैलिड रहता है। प्लस में उसके मरने के 60 साल बाद भी जो कॉपीराइट है वो उसके नाम पे ही रहता है।
द क्रिएटर इज नॉट ओनली वेस्टेड विद द राइट्स ऑफ ऑथरशिप बट द राइट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज और हर वर्क अगेंस्ट एनी अमेंडमेंट. मीन्स इसमें सिर्फ क्रिएटर को ऑथरशिप ही नहीं मिलता है, उसके उसके साथ ही साथ अगर कोई उसके काम में अमेंडमेंट कर रहा है तो उससे भी ये रोक सकता है, उससे ये उसको राइट देता है कि कोई उसके काम में अमेंडमेंट ना करे विदाउट इसके परमिशन के. द ईयर 1984 विटनेस द इंक्लूजन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन टू द एक्ट. 1984 में जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है उसको भी कॉपीराइट एक्ट के अंदर डाल दिया गया. इन द इवेंट ऑफ एनी डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा वाला काम होता है, तो उस केस में जो कॉपीराइट एक्ट है वो क्या राइट्स प्रोवाइड करता है सिविल कोड को, तो सबसे पहला है परमानेंट इंजक्शन. परमानेंट इंजक्शन का मतलब ये होता है कि ये एक तरह का ऑफिशियल ऑर्डर होता है कोर्ट द्वारा, जिससे कि किसी भी इंसान को ये उसके परमानेंटली उसको रोक सकता है उस फील्ड में वो काम करने के लिए. अगर उसने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है तो जो कोर्ट है वो ये ऑर्डर दे सकता है. डिलीवरी ऑफ द इंफ्रिंजिंग मटेरियल फॉर डिस्ट्रक्शन, जो भी मटेरियल है कॉपीराइट मटेरियल है उसको डिस्ट्रक्शन के लिए वो डिलीवर कर सकता है कोर्ट चाहे तो. द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग टू द डिफेंडर, जो कोर्ट है वो डिफेंडर के लिए कॉस्ट भी प्रोवाइड कर सकता है कानूनी कार्रवाई करने के लिए. इम्प्रिजमेंट ऑफ अ पीरियड रेंजिंग बिटवीन 6 months एंड 2 years, इस केस में 6 महीने से लेकर 2 साल तक सजा भी हो सकती है अगर कॉपीराइट एक्ट को फॉलो नहीं किया गया तो. अ फाइन रेंजिंग बिटवीन 50,000 to 2 lakh, 50,000 से 2 लाख तक फाइन भी हो सकता है. नेक्स्ट IPR है ट्रेडमार्क. तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक यूनिक सिंबल होता है जो किसी भी एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिफरेंशिएट करता है. किसी भी कंपनी का एक लोगो होता है, एक मार्क होता है जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो जो लोगो वो जो मार्क है उसी को हम ट्रेडमार्क कहते हैं. और जो ये ट्रेडमार्क जो है ये पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है. जब पुराने जमाने में जब आर्टिस्ट कुछ बनाते थे अपना प्रोडक्ट, तो उस पर अपना एक वो सिग्नेचर छोड़ते थे या फिर एक अपना कोई मार्क छोड़ते थे, जिससे कि कोई दूसरा अगर देखता है तो वो पहचान सकता है कि हाँ ये कौन से आर्टिस्ट ने ये चीज बनाई है. इंडिया में जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो एक्ट था वो पहला एक्ट 1958 में आया था, द इंडियन ट्रेड एंड मर्चेंटाइज मार्क एक्ट 1958. लेकिन इसको हटाकर 1999 में ट्रेडमार्क एक्ट को लाया गया. पुराने वाले को इसलिए हटाया गया क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं ऐड थी. लेकिन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में सारी चीजें जो पुराने में नहीं थी इन सब में ऐड कर दिया गया. और जो ये 99 का जो ट्रेडमार्क एक्ट है ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डेंस में है, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डेंस में है ये. तो इसमें क्या क्या ऐड हुआ 1999 एक्ट में? तो सबसे पहली बात कि इसमें रजिस्ट्रेशन सर्विस मार्क, जो सर्विक्स मार्क्स है उसके रजिस्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी बनाई. सर्विक्स मार्क्स किसी भी कंपनी का कोई लोगो नेम या ब्रांड नेम हम कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्विक्स मार्क्स. तो पहले जो था हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते थे अपने कंपनी का नाम, जो लोगो है उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था. लेकिन ये एक्ट के आने के बाद से इसका रजिस्ट्रेशन होने लग गया, जिसका फायदा ये हुआ कि कोई दूसरा इंसान अब कोई दूसरी कंपनी जो है उसका रेप्लिकेशन नहीं कर सकती है. सेकंड इसमें ये फायदा हुआ द फाइलिंग ऑफ मल्टी क्लास एप्लीकेशन. मल्टी क्लास एप्लीकेशन को इसमें फाइल कर सकते हैं. मल्टी क्लास एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन के जरिए जो उसमें हम बहुत सारी गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो एक साथ हम उसमें फाइल कर सकते हैं. मीन्स एप्लीकेशन तो एक भर रहे हैं लेकिन उसमें जो गुड्स हैं, जो सामान है, जो सर्विसेज है वो एक से अधिक है. यानी एक एप्लीकेशन के जरिए हम बहुत सारे गुड्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन टर्म है ट्रेडमार्क का वो भी एक्सटेंड कर दिया गया 10 साल तक. उसके बाद है कि अब हम डोमेन नेम का भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं. डोमेन नेम जो है वो एक तरह का वेबसाइट का एड्रेस होता है. जैसे कि अगर हमें किसी वेबसाइट पे जाना है तो उसका एक लिंक होता है एक पर्टिकुलर, तो अगर हम उस लिंक को क्लिक करेंगे तो हम उसी वेबसाइट पे जाएंगे. तो जिस वेबसाइट, जिस एड्रेस के जरिए हम उस लिंक पे पहुंचे हैं, जिस वेबसाइट पे पहुंचे हैं उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं.
अब जो है प्रेजेंट रेगुलेशन में इन्फ्रिंजमेंट रूल्स भी इसमें मॉडिफाई किया गया। मीन्स अब इसमें क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई भी उल्लंघन करेगा इस रूल्स को, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, इसको भी मॉडिफिकेशन किया गया इस एक्ट में। अब अगर कोई सिमिलर मार्क यूज करता है या फिर कंफ्यूज करने वाला कोई सिमिलर मार्क अपना यूज करता है थोड़ा बहुत डिफरेंट करके, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है इसमें। दिस अमेंडमेंट्स प्रोवाइड लेसर रूम फॉर डिफॉल्ट। तो इस अमेंडमेंट के जरिए अभी ऐसा है कि डिफॉल्टर जो है डिफॉल्ट होने की जो आशंका है वो काफी हद तक कम हो गई है। अब इसके जरिए जो पुलिस जो है वो किसी भी मटेरियल को सीज कर सकती है बिना किसी वारंट के। और अगर हम इसमें पनिशमेंट के देखें तो 6 मंथ से लेकर 3 साल तक इसमें पनिशमेंट मिल सकता है, इसमें जेल हो सकता है। और फाइन देखें तो फाइन जो है वो 50,000 से लेकर 2 लाख तक लग सकता है। अमेंडमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट इन 2010 लेड टू इंडियाज फॉरे इन टू द मैड्रिड प्रोटोकॉल इन 2013। मैड्रिड प्रोटोकॉल एक तरीके का ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जहाँ पे अपने ट्रेडमार्क को हम रजिस्टर कर सकते हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने हम ब्रांड को। तो जो ये 2010 में अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के बाद से इंडिया जो है इसका एक मेंबर बन गया वो। तो 2013 से ये लागू होना स्टार्ट हो गया। तो इस अमेंडमेंट के बाद से अब जो इंडिया है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वो टोटल 97 कंट्रीज में अपने ट्रेडमार्क को वो रजिस्टर कर सकेगा। इसी तरह जो बाहर के लोग हैं वो भी अपने ट्रेडमार्क को इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फेमस कंपनियों के ट्रेडमार्क दे रखे हैं, जैसे ये मैगी का ट्रेडमार्क है, ये मैकडोनल्ड का है, ये KFC का है, ये सबवे का है। इसी तरह जो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां होती हैं अपना उनका एक अलग ट्रेडमार्क होता है जिससे वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। नेक्स्ट IPR है इंडस्ट्रियल डिजाइन। एन इंडस्ट्रियल डिजाइन कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल। तो किसी भी आर्टिकल का जो ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट है, मीन्स जो डेकोरेटिव फॉर्म जो कंपोज करता है किसी भी आर्टिकल का, उसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे इसके देखते हैं कि अब हमें पानी बेचना है, तो पानी आप ऐसे तो नहीं बेच सकते हैं, उसको बेचने के लिए किसी चीज़ में उसको रखेंगे। जैसे कि ये बॉटल है, ये किनले का बॉटल है, बिस्लरी का बॉटल है, इनका जो ये बॉटल है इनका शेप कलर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, ये एक दूसरे से ये मैच नहीं करता है। तो जो ये शेप को बनाने में जो शेप दिया गया, इसका जो कलर चूज किया गया, जो पैटर्न डिसाइड किया गया है, तो इन सबको मिलाकर ये एक डिज़ाइन को फॉर्म करता है। तो इसे ही हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहेंगे। अब ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही इंडिया जो है अपने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करता है। 2000 में डिज़ाइन एक्ट आया था इंडिया में, और इसका मेन काम यही है कि जितने भी जो एस्थेटिकली अपीलिंग डिज़ाइंस हैं इन सब का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये डिज़ाइन एक्ट। अभी मैंने आपको वाटर बॉटल का एग्जाम्पल दिया, अब जैसे ये टेट्रा पैक का एग्जाम्पल देखें तो इसके जो लेयर्स होते हैं, जैसे पहला लेयर कौन सा है, सेकंड लेयर कौन सा है, तो ये एक एक चीज जो डिसाइड की गई है इसको बनाने में, इसका जो कलर, इसका जो लेयर, जो सारी चीजें डिसाइड की गई है, ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन में आते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट। तो ट्रेड सीक्रेट एक तरह का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। इसमें फॉर्मूलाज, प्रोसेसेस, टेक्निक्स, मेथड्स और इंफॉर्मेशन आ सकते हैं। कोई भी जो कंपनी है जिसका जो मेन बेसिस होता है, जो मेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जिसके बेसिस पे वो वर्क करती है, वो ट्रेड सीक्रेट के अंदर आते हैं। और अगर हमारा जो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है किसी कंपटीटर को पता लग जाएगा तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि जो हमारा कंपटीटर है वो मिसयूज करे इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को। और USA जो है वो पहली ऐसी कंट्री है जिसमें ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड एक्ट को लाया गया 1985 में। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई लेगिसलेशन नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसको हम दूसरे लॉ के जरिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं थोड़े हद तक, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नेक्स्ट IPR है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल मीन्स ज्योग्राफी की बात की जा रही है, किसी प्लेस की बात कर रही है, लोकेशन की बात की जा रही है। और इंडिकेशन मीन्स इंडिकेट करना,
यानी किसी भी वस्तु का जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, मीन्स कहाँ से वो चीज़ जो है वो बिलोंग कर रहा है, उसकी ज्योग्राफी के बारे में बात की जा रही है, उसके लोकेशन, उसके ओरिजिन के बारे में बात की जा रही है। तो उस बेसिस पे जो वो वस्तु, जो चीज उस जगह से बिलोंग कर रही है, उसका पर्टिकुलर एक क्वालिटी होगा उस जगह के हिसाब से, तो उसी बेसिस पे उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। मीन्स जीआई टैग ये एक तरह का ओरिजिन इंडिकेट करता है, एक तरह का ये साइन होता है जो उसके ओरिजिन को इंडिकेट करता है किसी भी वस्तु के। इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड जो एक्ट है वो 1999 में आया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और जो इसका रूल्स है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन रूल्स, 2002 में आया था ये। जीआई को जीआई एक्ट के अंदर एक अलग तरीके से ये डिफाइन करता है। तो इसका डेफिनेशन इसमें दिया गया है, एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाई सच गुड्स एज एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज ओरिजिनेटिंग और मैन्युफैक्चर्ड इन द टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री और अ रीजन और लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी वेयर अ गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच गुड्स इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजिन। मीन्स जीआई जो है एक ऐसा इंडिकेशन है किसी भी गुड्स से रिलेटेड, जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स की अगर बात की जाए या नेचुरल गुड्स की या फिर कोई मैन्युफैक्चर्ड किया गया गुड्स हो, तो उसकी जो ओरिजिनेटिंग जगह है कि वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उस जगह को ये इंडिकेट करता है जीआई, और उस जगह के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी ये इंडिकेट करता है कि उस जगह से रिलेटेड उसका क्वालिटी क्या है। एंड इन केस वेयर सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ आइदर द प्रोडक्शन और द प्रोसेसिंग और द प्रिपरेशन ऑफ द गुड्स कंसर्न टेक्स प्लेस इन सच टेरिटरी, या तो वहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है या फिर हम मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, इन दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है। किसी भी पर्टिकुलर रीजन पे जो वो गुड्स है वो बिलोंग कर रहा है, चाहे वो वहाँ का प्रोडक्शन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड किया गया हो उसको, या फिर वो नेचुरली प्रोड्यूस हुआ हो, किसी भी केस में अगर कोई पर्टिकुलर चीज किसी जगह से किसी प्लेस से बिलोंग कर रही है, तो उसका एक पर्टिकुलर क्वालिटी होगा, तो इस बेसिस पे उसको जीआई टैग दिया जाता है उस गुड्स को। अब यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो इंडिया में जिसे जीआई टैग मिला है, जैसे कि बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, अल्फोंसो मैंगो, या फिर कांजीपुरम का सिल्क साड़ी, या फिर कुर्ग का कार्डेमम, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे जीआई टैग मिला है। जो चीजें जीआई टैग के लिए रजिस्टर्ड है उसका अनऑथराइज यूज कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आईपीआर जो है वो प्लांट वेराइटीज से रिलेटेड है, तो ये जो एक्ट है वो प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। इसे हम कॉमनली प्लांट एक्ट कहते हैं और इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर एक्ट 2001। इस एक्ट का मेन मकसद जो है वो ये है कि जितने भी प्लांट की जो नई वेराइटीज है उसके डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके, और इसके साथ जो फार्मर के जो राइट्स है उसको प्रिजर्व कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। और अभी तक इंडियन गवर्नमेंट में 114 क्रॉप जो है वो रजिस्टर हुए हैं। इस एक्ट को लाने का जो मेन मकसद है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना, प्रोग्रेस करना है। और इसके साथ इसका दूसरा काम ये है कि सीड इंडस्ट्री जो है उसको ग्रोथ को एनहेंस करे, और इसके साथ जो इंडियन फार्मर है उनको बेटर क्वालिटी ऑफ सीड जो है वो प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है लेआउट डिजाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंडिया में इंटीग्रेटेड सर्किट का जो लेआउट डिजाइन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट है वो है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000। 2000 में ये एक्ट लाया गया था, जिसका मकसद ही ये है कि जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट है उनके लेआउट डिजाइन को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेआउट डिजाइन का मतलब मीन्स जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक ढांचा है किसी भी सेमी कंडक्टर के अंदर, जो उसका बेसिक जो ढांचा है, जो लेआउट है, उसको हम बोलते हैं लेआउट डिजाइन। तो उसी डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन। तो डेटा प्रोटेक्शन इसके अंदर जो है, जो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा जो है वो इसके अंदर आ सकती है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं बना है, लेकिन इसे दूसरे लॉ के जरिए थोड़ा बहुत हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बाकी पर्टिकुलर कोई ऐसा एक्ट नहीं बना है जिससे कि डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके इंडिया में।
अब इसमें जो पर्सनल डेटा है, वो पर्सनल डेटा जैसे हम किसी का हम एप्लीकेशन फिल करते हैं या फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें हम अपना पर्सनल डेटा डालते हैं। तो उस पर्सनल डेटा को जब हम डालते हैं तो वो गवर्नमेंट या फिर जो एजेंसी है उसके पास चली जाती है। तो कई बार जो ये इंफॉर्मेशन जो है वो मिसयूज किया जाता है किसी दूसरी एजेंसीज के द्वारा, किसी दूसरे पर्सन्स के द्वारा। तो उन डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में ऐसा कोई लॉ है ही नहीं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर क्राइम। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम से रिलेटेड जो एक्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इसका मेन मकसद है साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करना। जो भी हम ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो पैसे का एक्सचेंज करना या डेटा का एक्सचेंज करना, उससे रिलेटेड जो है वो साइबर क्राइम हो सकता है। तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। और इस एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें से पहला है द ग्राउंड ऑन विच द गवर्नमेंट में इंटरफेयर विद डेटा। मीन्स इस एक्ट में ये दिया गया है कि कौन से बेसिस पे जो गवर्नमेंट है आपके डेटा के साथ वो इंटरफेयर कर सकता है। नेक्स्ट है द लॉ पर्टेनिंग टू द ब्रीच ऑफ कंडक्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। अगर आप लॉ तोड़ते हैं, अगर आप वॉयलेट करते हैं इस लॉ को, तो उस केस में क्या लॉ है, क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये इस एक्ट में दिया गया है। द ब्रिज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टी फॉर डैमेजेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स, टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्सेज, ब्रिज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। इसमें जो वॉयलेशन है उससे रिलेटेड आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम का आपने डैमेज किया है, या फिर उसके सोर्स को टैम्पर किया है, या फिर कोई डेटा को जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसका वायलेट किया है, तो इन सब केसेस में आपको क्या पेनालिटी देनी पड़ सकती है, इस एक्ट के अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं। अब जितने भी हमने एक्ट पढ़े उन सब एक्ट के क्या एनफोर्समेंट डेट है, क्या वैलिडिटी है, और उसमें क्या पेनालिटी है अगर हम लॉ को तोड़ते हैं, तो इन सब के बारे में इस टेबल में एक समरी टाइप का दिया है मैंने। तो सबसे पहला है द कॉपीराइट एक्ट 1957। इसका एनफोर्समेंट डेट है 21 जनवरी 1958, और इसका जो वैलिडिटी है वो ऑथर की पूरी लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर आफ्टर हिज डेथ। मीन्स उसके पूरे लाइफ टाइम तक ये वैलिड रहेगा, और उसके बाद 60 साल उसके मरने के बाद भी। अगर कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया जाता है तो इस केस में जो पेनाल्टी है उसमें फाइन जो है वो 50,000 से लेकर 2 लाख तक लग सकता है, और जो जेल है वो 6 महीने से 3 साल तक हो सकती है। नेक्स्ट है द पेटेंट एक्ट 1917। ये 20 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था और इसकी वैलिडिटी 20 ईयर्स तक है। इसमें फाइन 1 से 10 लाख तक हो सकता है और उसके साथ जेल भी हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ये 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था और इसकी वैलिडिटी 10 साल है। इस केस में फाइन जो है वो 50,000 से 2 लाख तक हो सकता है, और जो जेल है वो 6 महीने से 3 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसका एनफोर्समेंट डेट है 15 सितंबर 2003, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 10 ईयर्स है। इस केस में जो पेनालिटी है वो फाइन है 50,000 से 2 लाख तक, और जो जेल है वो 6 मंथ से 3 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट है द डिजाइन एक्ट 2000। इसका एनफोर्समेंट 11 मई 2001 को हुआ था, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 10 ईयर तक है, और इस केस में जो पेनालिटी है वो 25,000 से 50,000 तक लग सकता है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका एनफोर्समेंट डेट है 17 अक्टूबर 2000, और इस केस में जो पेनालिटी है वो फाइन 1 लाख से 10 लाख तक लग सकता है, और जो जेल है वो 3 साल से 10 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट है सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000। इसको शॉर्ट में SICLD एक्ट भी कहते हैं। इसका एनफोर्समेंट डेट जो है वो है 4 सितंबर 2000, और इसकी वैलिडिटी 10 ईयर तक रहती है। इस केस में जो फाइन है वो 50K यानी 50,000 से 15 लाख तक हो सकता है, और जो जेल है वो 3 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। इसका जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 30 अक्टूबर 2001, और इसका अगर हम वैलिडिटी की बात करें, अगर जो ये राइट है वो ट्रीज और वाइन्स के लिए लिया गया है, मीन्स ट्रीज या फिर लताएं जो है उनके लिए लिया गया है, तो 8 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी।
और इनके अलावा जो बाकी क्रॉप्स बच गए उनकी जो वैलिडिटी है वो 15 साल तक रहेगी। इस केस में जो फाइन है वो 1 लाख से 5 लाख तक लग सकता है और जो जेल है वो 6 महीने तक हो सकता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये जो है 1 अक्टूबर 2003 को लागू हुआ था और इस केस में जो पेनालिटी है उसमें 10 लाख तक फाइन लग सकता है और जो इम्प्रिजन है वो 5 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट है आईपीआर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में आईपीआर से रिलेटेड कौन कौन से पॉलिसीज और प्रोग्राम लागू हुए हैं, तो उसमें से पहला है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016। आईपीआर पॉलिसी 2016 जो है वो 12 मई 2016 को लॉन्च हुआ था और इसको लॉन्च करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आईपीआर के फील्ड में इसका डेवलपमेंट हो सके कंट्री में। और दूसरी बात इसकी ये है कि जितने भी आईपीआर है जैसे कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ये सारे जो एक्ट है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर लाया जा सके, मीन्स उन सबको हैंडल करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म हो। जैसे कि हमने एफएसएसएआई के बारे में पढ़ा था कि एफएसएसएआई से पहले बहुत सारी फूड सेक्टर में लॉज थी, लेकिन जब एफएसएसएआई आया तो उसके अंडर वो सारी लॉज को डाल दिया गया। उसी तरह ये आईपीआर पॉलिसी 2016 जो है इसके अंडर जो जितने भी आईपीआर जो हैं वो अब आ गई हैं। इसका मेन मिशन है क्रिएटिव इंडिया एंड द इनोवेटिव इंडिया। इट सेट्स इन प्लेस एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। मीन्स ये इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और रिव्यू सारे जितने भी आईपीआर हैं उनके मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, रिव्यू करना, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी के अंडर आती हैं। इट एम्स टू इनकॉर्पोरेट एंड अडेप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस टू द इंडियन सिनेरियो। और इसका एम ये है कि इंडिया का जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक बेस्ट परफॉर्मेंस हो आईपीआर के फील्ड में। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, NIPAM। तो ये जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसका लॉन्च 8 दिसंबर 2021 को हुआ था ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसका जो मेन एम था वो अवेयरनेस प्रोवाइड करना था पूरे इंडिया में, जिसके अंडर टोटल 1 मिलियन स्टूडेंट्स जो है उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना इसका एक मकसद था, इसका टारगेट था। इट एम्स टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन क्लासेस 8 to 12। मीन्स हायर एजुकेशन में उन बच्चों के अंडर एक स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी और इनोवेशन को डाला जाए, इसलिए इस प्रोग्राम को डाला गया था। 8 से 12 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्रिएटिविटी को डेवलप करना ही इसका एक मिशन था। द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM। तो ये जो प्रोग्राम है वो CGPDTM द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया था और ये जो CGPDTM है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो ये था पूरा इंडिया में आईपी लेजिस्लेशन से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स, जो एक्ट्स हैं इस वीडियो में पूरा मैंने ये बताया है। मैंने पूरी कोशिश की है इस टॉपिक को अच्छे से समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। थैंक यू।